सुमेरपुर में कैबिनेट मंत्री जोराम कुमावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल की जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में भारत में कई बड़े फैसले हुए हैं। ये फैसले देश हित में रहे हैं। सुमेरपुर से अरविंद कुमार जोशी की रिपोर्ट। शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और लोकसभा के चुनाव है, और इस चुनाव में सभी मतदाताओं को अपनी इच्छा अनुसार मतदान करने का मौका मिलेगा। अभी वर्तमान में देश की परिस्थिति के हिसाब से लोग मतदान करे तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। जिस तरह से पिछले 10 वर्ष में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में उन्होंने जिस तरह के निर्णय इस देश में लिए हैं, निश्चित रूप से वो अद्भुत निर्णय है और देश हित के निर्णय है। चाहे वो कश्मीर में 370 की धारा हटाने का मामला हो, चाहे पाकिस्तान से अभिनंदन को वापस लाने का मामला हो, चाहे पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादी कैंपों को नष्ट करने का मामला हो, देश की सारी सीमाएं चारों तरफ से सीमाओं को सुरक्षित करने का मामला हो, या भारत को 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनाने का मामला हो, यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे युद्ध को युद्ध विराम करा करके वहां से 22,000 बच्चों को वापस भारत सुरक्षित लाने का मामला हो, या देश को एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करने का मामला हो, निश्चित रूप से 3 तलाक बिल लाने का मामला हो, या नागरिकता सुरक्षा संशोधन बिल लाने का मामला हो, या नारी शक्ति बंधन बिल लाकर के नारी को संबल प्रदान करने का मामला हो। मोदी जी ने माना है कि इस देश में 4 जातियां हैं,